शुरुआत में मैं गार्डनिंग कर रही थी तो मैंने काफ़ी सारे बेलों वाले पौधे लगा दिए, और जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता गया फिर मुझे लगा कि वाह क्या बात है, इतने सारे फूल आ गए हैं, इसका मतलब है इतने सारे फल भी हो जाएंगे। लेकिन फिर जाके देखा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो सारे फूल हुए थे वो गिर गए, सूख कर गिर गए। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि जो बेल वाले पेड़ होते हैं, जो बेल वाले पौधे होते हैं, उनमें नर फूल और मादा फूल अलग से होते हैं, और जो बेल निकलती है उनमें मोस्टली मेल फ्लावर्स यानी नर फूल ज़्यादा होते हैं। तब कुछ ऐसे टिप्स मुझको मालूम हुए जो करने के बाद आज मुझको बहुत सारे ये जो बेलों वाली जो सब्जियां होती है, जैसे तुराई होती है, खीरा होता है, लौकी होता है, ये सब मुझको इतने सारे हार्वेस्ट मिलते हैं। तो आज मैं आपके साथ इसी के बारे में शेयर करूंगी कि क्या करने से आपके भी जो बेलों वाले पौधे हैं उनमें बहुत सारे फल आए। ये देखिए, ये जो रीज गोट का प्लांट है मेरा, ये सबसे पहले इस ऊपर ट्रेलिस के ऊपर उठ गया था। तब ये इसका जो मेन ये स्टेम है, ये यहाँ से होकर आप देख सकते हैं इतना बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमें करनी है तभी इसमें ज़्यादा फलन होगी। ये है वो प्लांट, देखिए इतना लंबा हो गया है। अभी एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो वाइन क्रॉप्स होते हैं उनके जो ये मेन ब्रांच होता है, मेन स्टेम जो होता है, इसमें मोस्टली मेल फ्लावर्स होते हैं जिनसे हमें ज़्यादा हार्वेस्ट नहीं होती है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि हमको एकदम टॉप पोर्शन ही हम लोग काट देते हैं। ये जो पीस हमने काट दिया यहाँ से, अब जो बाकी के स्टेम्स रह जाते हैं उनके इस नोड, हर एक नोड में से एक लैटरल शूट्स निकलेगा, उन शूट्स में मोस्टली फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा होते हैं, तब आपको इस प्लांट से ज़्यादा फसल मिल पाएगी। सेम चीज़ हम बॉटल गोट के लिए भी करते हैं। ये देखिए मेरा बॉटल गोट प्लांट है, ये भी अभी ऊपर आ गया है। मुझे इस प्लांट की हाइट इतनी ही रखनी है इसलिए मैं इसको अभी यहाँ से काट दूँगी। इसको काटने से क्या होगा कि देखिए यहाँ जो इसका नोड है, यहाँ आपको एक शूट की छोटी सी नोड दिखाई दे रही है, यहाँ से अभी इन सारे नोड्स में से लैटरल शूट्स निकलेंगे जिनमें मोस्टली फीमेल फ्लावर्स होंगे। अगर आप चाहे या आप देखें कि उसमें फीमेल फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो आप फिर से उस लैटरल नोड्स के जो ग्रोइंग टिप है उसको फिर से काट दीजिए। तो इसी को हम लोग 3G और 2G कटिंग कहते हैं।